जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आत्म कल्याण करूंगा। लेकिन माता बहनों बेटियों आदरणीय सज्जनों, इस संसार की माया की हवा लगते ही उस सब को भूल जाता, जैसे कोई सपना टूट गया और इसीलिए वो रोता है, जैसे कुछ खो गया रोता है। और भाग्यशाली जीव जिनको गुरुओं का सत्संग मिल जाता है वो अपना कल्याण करते हैं। भाव ये देखिए, सारे काम होंगे बेटा, ये चले गए निश्चित रूप से अवस्था छोटी है, मैं देख पा रहा हूं। लेकिन बढ़िया बात ये है कि जितने दिन भी ये जिए जिंदा दिली के साथ जिए, ये बहुत बढ़िया बात है। आइए एक बार और आप एक बात ठान लो कि ये किसको बेटा, एक तो शोक सभा नहीं लिखा करो, मैं आप जोड़ के आपसे विनती करता हूं, किसको श्रद्धांजलि सभा लिखा। हम दिवंगत आत्मा के लिए जो भी या प्रार्थना सभा लिखा करो, जो प्रेयर करेंगे उस प्रेयर के तरंगे उस आत्मा को जाकर के मिलेंगी और आत्मा का कल्याण होगा। अब देखो हमारे इस पंडाल में माताओं बहनों बेटियों को मिलाकर के 250-300 के आसपास संख्या है, तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, चलो गायत्री किसी से ना भी बोली जाए 108 बार सारे दिल की गहराई से राम का नाम लेंगे और वो समर्पित करेंगे उस दिवंगत आत्मा। आपको शास्त्र सुने हैं, अजामिल जैसा पापी अपने बेटे को जिसका नारायण नाम था, अपने बेटे को बुलाया नारायण और चतुर्भुज नारायण भगवान आ गया, आप जानते हैं। तो अगर प्यार से ये भाव लेकर के हे प्रभु आप इस पुण्य आत्मा का दिवंगत आत्मा का कल्याण करो। देखो सभी जो आए हुए हैं उस परिवार से प्यार करते हैं, कोयल साथ से प्यार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्याह शादी में वो आते हैं जिनको हम चाहते हैं और इस मौके पे वो आते हैं जो हमें चाहते हैं। आप सभी जाने वाले हैं, 108 बार राम का नाम कह दो, निश्चित रूप से जहां भी वो आत्मा होगी वहां वो तरंगे पहुंच करके और उनका कल्याण होगा। बेटे डॉक्टर को जाने सबने कहना है, मुझे बोलना था राम राम के राम राम के राम राम के राम 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 पारी राम राम।
से बोलो सारे, बोली हे प्रभु, हे प्रभु, परम पिता परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड के नियंता, नियंता, हमने हमने राम नाम की, राम नाम की माला का, माला का जाप किया, जाप किया, इसका पुण्य, इसका पुण्य दिवंगत आत्मा, दिवंगत आत्मा, दिवंगत आत्मा, दिवंगत आत्मा बलराज गोयल जी को प्राप्त हो। ओम तत् सत् ब्रह्म अर्पणम् अस्तु। ओम शांति 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 शांति। ये है असली कमाल। याद रखो बेटा, विलाप करने से उसके मार्ग में बेटा दिक्कत है। आपको पता नहीं वो जीव में आगे जा रहा है। जब कोई रोता है तो उसका अट्रैक्शन जो है वह यहां जमीन की ओर होता है। इसलिए जब भी बैठो भगवान का नाम, भगवान का नाम लेओगे उनको लाभ। एक साल तक जीव आत्मा की यात्रा रहती है, याद एक साल तक उनके निमित्त गीता का पाठ, रामायण का पाठ, राम नाम की माला, एकादशी का व्रत, ये जितना भी किया जाएगा उनको सुख देने वाला होगा। क्षमा चाहते हुए एक प्रार्थना करता है, हमारी सुविधा के मुताबिक कहिए या कोई मजबूरी कहिए, हम बरसी जो है, बरसी नाम से ही प्रकट है कि बरस की होती है, लेकिन कोई दो महीने की, कोई तीन महीने की, कोई चार महीने की कर देते हैं, करनी नहीं चाहिए लेकिन चलो कोई मजबूरी है कर दो। लेकिन एक साल तक दो रोटी गाय के निमित्त निकालना हमारा धर्म बनता है, ये बात हमेशा याद रखो। क्यों? देखिए हमारे शास्त्रों में कोई भी बात है उसके मायने, हम चाहे 10 दिन की करें इसका नाम तेल नहीं होगा, मान्य मान तेल नहीं होता है। क्यों होता है तेल की? हमारी पूर्वले जन्म के कर्म के अनुसार 12 चीजों का सुख हम लेकर के आते हैं। ये ज्योतिष का विषय है, 12 कुंडली के भाव होते हैं। गिन लो, पहला तन का सुख, दूसरा धन का सुख, तीसरा भाई बहनों का सुख, चौथा माता भूमि मकान का सुख, और पांचवा शिक्षा संतान का सुख, छठा रोग से निवृत्ति, सातवां दाम्पत्य जीवन, आठवां आयु, नौवां भाग और दसवां पिता राज का सुख, ग्यारहवां अच्छी जगह से आमदनी, बारहवां अच्छी जगह के खर्च। जब ये पूरे हो जाते हैं 12 जो लेकर के आया तो उसकी 13वीं। ये है लॉजिक हर चीज का। बिना हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है, बिल्कुल कोई झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए महानुभाव आइए एक और बात बता के चलता हूं। याद रखना रण भक्ति और दान तीनों काम जवान। रण योद्धा देश की सेवा करेगा, धर्म की सेवा करेगा, जवानी नहीं करेगा भाई, बुढ़ापा आने के बाद नहीं हो सकता। भक्ति, भक्ति का अभ्यास भी हम दिक्कत ये है कि रोज कल से शुरू करें, कल से शुरू करें, ये दीर्घ सूत्री कहलाते हैं, वो कल आता ही नहीं, काल आ जाता है।
भक्ति का अभ्यास जवानी में अगर कर लिया, अभ्यास क्यों करने को कहते हैं, क्योंकि अंतिम समय में जब ये आत्मा शरीर से अलग हो उस समय भगवान याद आते, उस समय अंतमाता शोकता, अंतिम समय में जो मृत्यु हो गई, अंतिम समय में भगवान का नाम अगर आ गया तो समझो कि मानव जीवन सार्थक हो गया, कल्याण हो गया। इसलिए रण भक्तियों दान, हाथ से दान, पुण्य भी नाना प्रकार के हमारे शुभ कर्मों के फल स्वरूप हमें बहुत धन संपदा मिलती है, लेकिन उसको जो है वो शुभ कर्म के अंदर खर्च करना चाहिए। इसलिए आइए, एक शब्द प्रत्येक हिंदू सनातनी की इच्छा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो निवेदन करता हूं। Oh,
Thank you.
दिवंगत आत्मा का जो परिवार है, आदरणीय माता जी इंदिरा देवी जी, परम पिता परमात्मा आपको बहुत शक्ति प्रदान करें, जिससे कि आप बच्चों के ऊपर आपका हाथ बना रहे। रानी गोयल जी, बेटी आप भारतीय नारियों का एक इतिहास है, आप उसकी कड़ी हो, जिसमें अनसुईया बहती दियों में भगवान शिव को ब्रह्म